remember the night that we met. Back at the party, you sat on the bed. You said I'm talented, you said I'm next. My only talent is making you stressed. I know that I'm pain. ओके गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप सब कमेंट करोगे ना तो मैं इस टॉपिक के ऊपर पूरा का पूरा ट्यूटोरियल वीडियो लेके आऊंगा। एंड फाइनली गाइज, आप सब ने बहुत से कमेंट किए एंड आप सबके कमेंट करने पर मैं ये वीडियो लेके आ चुका हूँ। सो गाइज, आप सब ने ना कभी फील किया होगा कि जब भी हम 2x स्कोप लगा के हेडशॉट मारने का ट्राई करते हैं तो हमारे हेडशॉट अच्छे से नहीं लगते हैं। आप सब बैकग्राउंड में चल रहे गेम प्ले को देख सकते हो, मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं किया है एंड जब मैं हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूँ तो मेरे हेडशॉट अच्छे से नहीं लगते। बट वहीं पर गाइस, जब मैं सेकंड टाइम हेडशॉट मारने का ट्राई करता हूं ना तो मेरे हेडशॉट बहुत अच्छे से लग जाते हैं, क्योंकि गाइस सेकंड टाइम मैंने ना कुछ सीक्रेट ट्रिक का इस्तेमाल किया था एंड वो सीक्रेट ट्रिक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आप सब वाइट एवे भाई को तो जानते ही होंगे, क्योंकि इस ट्रिक का क्रेडिट उनको ही जाता है। उन्होंने इस ट्रिक को अपने चैनल के ऊपर रिवील कर रखा है, बट गाइस उनके चैनल के ऊपर ना वो चीजें सही से समझ में नहीं आ रही है क्योंकि उनको लिख के बताया गया है। लेकिन तुम्हारा भाई ये पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बोल के एक्सप्लेन करने वाला है, इसीलिए ये वीडियो और भी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बाय द वे, इस ट्रिक को यूज करते टाइम आप लोगों को 2 से 3 मेन चीजें ही याद रखनी है एंड ये ट्रिक बहुत ही ज्यादा आसान है, तो आप लोग इसको आसानी से समझ जाओगे। लेकिन गाइस, फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो आप सब मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे स्पाई की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। और हाँ गाइस, वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, सो प्लीज यार वीडियो पे ना ओनली 1k लाइक्स का टारगेट एंड ये छोटा सा लाइक टारगेट आप सबको कंप्लीट करवाना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं 2x स्कोप की हेडशॉट ट्रिक के बारे में। सो गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं 2x स्कोप की सेंसिटिविटी के बारे में, क्योंकि जब तक हमको सेंसिटिविटी पता नहीं होगी हमारा एम छाती पे अटक जाएगा या फिर वो आसमान में चला जाएगा, हमारे हेडशॉट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेंगे। तो गाइस, मैंने इस वाली वीडियो के अंदर आप लोगों को कल ही बताया था कि आप लोगों को 2x स्कोप का सेंसिटिविटी कितना रखना चाहिए। बाय द वे, मैं आप लोगों को इस वीडियो में भी बताने वाला हूं, लेकिन अगर आप लोगों को फुल बेस्ट सेंसिटिविटी चाहिए ना तो आप लोग ये वीडियो जाके देख सकते हो। तो भाई लोग, आप लोगों का जो 2x स्कोप बेस्ट सेंसिटिविटी होने वाला, उसके लिए आप लोगों को अपना जो 2x स्कोप सेंसिटिविटी है ना तो उसको कभी भी 100 करना है और ना ही उसको 90 से कम करना है। आप लोगों का जो 2x स्कोप सेंसिटिविटी है आप उसको 95 पे रख के खेल सकते हो, आप लोगों को बहुत अच्छे हेडशॉट देखने को मिलेंगे। इसके बाद गाइस, हमें इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए ना हमारा जो स्कोप वाला आइकन होता है, जंप वाला आइकन होता है एंड हमारे जो फायर बटन होते हैं उसको यूज में लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग अपना स्कोप वाला आइकन, जंप वाला आइकन एंड जो फायर बटन वाला आइकन है उसको राइट साइड किए हुए हो तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने वाली है, क्योंकि दोस्तों एक ही टाइम के अंदर हम लोगों को ये तीनों बटन यूज करने पड़ेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, अपना जो लेफ्ट फायर बटन है उसको ऑन करके अपने लेफ्ट साइड में ही रखना है, उसको राइट साइड में नहीं लेके जाना, अपने लेफ्ट साइड में ही रखना है। और हेडशॉट मारते टाइम आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को अपना मेन फायर बटन यूज नहीं करना, आप लोगों को अपना लेफ्ट फायर बटन यूज करना है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से हेडशॉट मिल जाए। लेकिन दोस्तों, आप अपने मेन फायर बटन को भी यूज कर सकते हो अगर आप लोग अपना जंप वाला आइकन उस साइड रखते हो, मतलब कि लेफ्ट साइड रखते, क्योंकि दोस्तों हमें एक ही टाइम इन तीनों बटन का यूज करना है। आई होप आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। तो भाई लोग, ये सब सेटिंग करने के बाद हम चलते हैं अपनी सीक्रेट ट्रिक की तरफ। तो गाइज, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने एम को एडजस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने एम को एडजस्ट किया हुआ ना बंदे के नीचे, आपको सेम टू सेम अपना एम बंदे के नीचे एडजस्ट करना है। एंड अपना एम एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना स्कोप वाला आइकन है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोगों का स्कोप ओपन हो जाता है, उसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, अपना जंप एंड फायर बटन को एक साथ क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जंप एंड फायर बटन को एक साथ क्लिक आप लोगों को भी इस तरीके से करना है एंड आप लोगों का हेडशॉट बहुत ईजिली लग जाएगा। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये ट्रिक अच्छे से समझ में नहीं आई है तो इस ट्रिक को एक बार दोबारा से देख लो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज, इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने एम को एडजस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने एम को एडजस्ट किया हुआ ना बंदे के नीचे, आपको सेम टू सेम अपना एम बंदे के नीचे एडजस्ट करना है। एंड अपना एम एडजस्ट करने के बाद सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपना स्कोप वाला आइकन है तो उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोगों का स्कोप ओपन हो जाता है, उसके बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है, अपना जंप एंड फायर बटन को एक साथ क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जंप एंड फायर बटन को एक साथ क्लिक आप लोगों को भी इस तरीके से करना है एंड आप लोगों का हेडशॉट बहुत ईजिली लग जाएगा।